परिचय दीजिए तुम। मैं पटना महानगर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सह सोशल मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुमारी अनीता। मैं लेक्चरर हूँ आरपीएस कॉलेज में हिंदी की। सर डिटेल बताए। हाँ, प्रभारी जी अभी चेंज किए हैं, और चेंज तो बदलाव तो जीवन में होते ही रहते, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कांग्रेसी तो सब दिन काम करते आए हैं, उनमें कोई वैसा ये नहीं है, जैसे सब दिन काम करते रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। किसान आंदोलन काफी दिनों से चल रही है। किसान आंदोलन पर विपक्ष किसानों के साथ है और सत्ता पक्ष बोलते हैं कि किसानों के हित में ये बिल है। आप क्या कहना चाहें? जब किसान के हित में, तो किसान को वो मूर्ख समझ रहे हैं क्या सत्ता पक्ष के लोग? क्योंकि विरोध तो सबसे पहले किसान उतरे सड़क पे ना। हाँ, विपक्ष नहीं उतरा रोड पे, उतरा कौन? किसान हमारे। तो किसान क्या इतने मूर्ख हैं जो ये बिल को नहीं समझ रहे हैं, जो सत्ता पक्ष इस तरह की आरोप लगा रही है ना? और किसान के साथ तो शुरू से रहा है कांग्रेस, और किसान के बिना हम लोग ही नहीं है, निराधार है जिंदगी। अन्न नहीं तो कुछ नहीं, और अन्नदाता आज सड़कों पे हैं इस ठंड में, इस बरसात भी देखिए कि उन लोग को नहीं छोड़ा, किस कदर उन लोग के साथ दुर्व्यवहार सरकार कर रही है आए दिन। तो सरकार की नीति समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों बिल बना दी जिससे कि सारे के सारे किसान आज सड़कों पर आ चुके हैं, और बार बार बैठक क्यों? या तो साफ वो कह दें कि मैं नहीं बिल वापस लूंगा, या साफ कहें कि मैं ये करूंगा। बार बार बैठक बुलाकर ये किसको प्रताड़ित कर रहे हैं, कि उनको क्या डर है? सत्ता पक्ष कहती है कि राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं किसान आंदोलन पे। क्या राहुल गांधी जी किसान आंदोलन की राजनीति कर रहे हैं? क्या किसान का अगर समर्थन कर रहे हैं, किसान के अगर साथ हम लोग खड़े हैं, तो क्या ये गलत है? अडानी अंबानी के साथ वो खड़े हैं तो वो बढ़िया कर रहे हैं। अडानी अंबानी से नहीं देश चलता, देश चलेगा इन किसानों से, इन मजदूरों से, जिस पर हम निर्भर। आज इस बिल्डिंग में हम हैं तो किसके बल पर हैं? मजदूर के बल पर। आज अगर हमारे पेट में घर में चूल्हे, आपके घर में, सरकार के घर में, किसी के घर में अगर आज चूल्हा जल रहा है तो किसान की वजह से। तो फिर यहाँ पर राहुल गांधी जी पर किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? वो तो जो भी मुसीबत में रहेगा, राहुल गांधी जी वहां पे खड़े रहेंगे, और जहां पे राहुल गांधी जी खड़े रहेंगे सारे कांग्रेसी उनके साथ खड़े रहेंगे। नौ वर्ष तो शुरू हो चुका है, तो नौ वर्ष की सबों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ में अभी संक्रांत भी आने वाला है, तो उसकी भी सबों को शुभकामनाएं। एसआर न्यूज को मैं नौ वर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ, और इनका काफी अच्छा रहता है न्यूज, तो मैं आगे भी इनकी शुभकामना देती रहूंगी कि आगे और बढ़े और अच्छा करें। धन्यवाद। कुमारी अनीता।